प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं उत्पादकता देखिए होता क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेइजेश्स होती हैं मैनुफेक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो है गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है तो कितना इनपुट का यूज़ किया गया कितने रॉ मेटेरियल का यूज़ करके कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया उसी के रेशियो को क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी कहते हैं कम इनपुट का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है और ज़्यादा इनपुट का यूज़ करके आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि प्रोडक्टिविटी पुअर है यानी कि परफॉर्मेंस पुअर है तो प्रोडक्टिविटी एक तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को शो करता है क्लियर तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया ए मेजर ऑफ ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दैट कंपेयर द अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यानी कि आउटपुट विद द अमाउंट ऑफ इनपुट यूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि किसी एक गुड्स या किसी एक सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कितना इनपुट यूज किया गया और कितना जो है आउटपुट प्रोड्यूस किया गया उसी की रेशियो को हम क्या क्या कहते हैं दैट इज प्रोडक्टिविटी क्लियर द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ अ प्रोसेस और फैक्टर इज नॉन एज प्रोडक्टिविटी आउटपुट का मतलब क्या हो गया आउटपुट रिफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वाइल इनपुट रिफर्स टू ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ लाइक कैपिटल लेबर इक्विपमेंट लैंड मशीनरी मटेरियल एसेट्रा तो आउटपुट क्या हो गया कि कितना टोटल प्रोडक्ट बना है जो भी आप गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना प्रोड्यूस आपने किया है कितना सर्विस प्रोवाइड किया है वहीं पे जो इनपुट हो गया वो जो है कितना फैक्टर यूज़ किया गया है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मतलब कि सपोज एक मोबाइल बनाना है तो आपने दस मोबाइल बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कितना लेबर कितना इक्विपमेंट का यूज़ किया है तो दस मोबाइल जो प्रोड्यूस किया वो आउटपुट हो गया दस आउट हो गया वहीं पर दस मोबाइल को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना लेबर क्यों यूज किया कितना इक्विपमेंट यूज किया कितना मशीनरी यूज किया कितना मेटेरियल यूज किया वो चीज क्या होती है वो इनपुट कहलाती है तो कम इनपुट है आउटपुट ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है तो प्रोडक्टिविटी पुअर है तो प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम एंड एन इंडिकेटर टू हाउ वेल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड कैपिटल लेबर एंड एनर्जी आर यूटिलाइज यानी कि आप कितने अच्छे तरीके से इनपुट का यूज़ कर रहे हो ये जो है इंडिकेटर होता है प्रोडक्टिविटी बताता है यानी कि आप जो है इनपुट्स तो बहुत यूज़ कर रहे हो लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी जो आउटपुट है वो बहुत कम है यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है क्या है वो पुअर है लेकिन इनपुट आप कम यूज़ कर रहे हो यानी कि लैंड लेबर कैपिटल एनर्जी इनका कम यूज़ कर रहे हो लेकिन आप आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हो यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी क्या है एक तरीके से परफॉर्मेंस को मेजर करता है क्लियर तो प्रोडक्टिविटी को अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि क्या फॉर्मुला होता है तो प्रोडक्टिविटी को आप कह सकते हो क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज किया और आपने कितना क्वांटिटी जो है गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया तो उसके रेशियो को प्रोडक्टिविटी कहते हैं या फिर आप इसको सिंपली यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ इनपुट आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं या फिर मैथमेटिकली हम बात करें तो पी पी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ओ यानी आउटपुट डिवाइडेड बाई आई यानी कि इनपुट आप जो है इस तीन तरीके से जो है प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर तो प्रोडक्टिविटी कैन भी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है तो दो यहां पर तीन तरीके आपको हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी कैन भी इंक्रीज बाई तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी पहला क्या हो गया कि इंक्रीजिंग द आउटपुट यूजिंग द सेम इनपुट यानी कि आप जो है दस यूनिट का जो है आप लेबर यूज कर रहे थे दस ही लेबर का यूनिट आप जो है दस ही लेबर अभी भी यूज कर रहे हो लेकिन आपने आउटपुट क्या किया बढ़ा दिया यानी कि दस लेबर पहले सौ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे अब वही दस लेबर अब जो है एक सौ दस यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे यानी कि आपका क्या हो गया प्रोडक्टिविटी बढ़ गई या फिर दूसरा तरीका है रिड्यूसिंग द इनपुट बाई मेंटेनिंग द आउटपुट एज कॉन्स्टेंट यानी कि सपोज करिए कि पहले आप जो है सौ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे दस लेबर का यूज करके अब आप क्या कर रहे हो कि आपने सौ यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन लेबर क्या कर दिया आपने घटा दिया यानी आठ ही लेबर का यूज कर रहे हो और अभी भी सौ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो गया इंक्रीज हो गया या फिर तीसरा इंक्रीजिंग दी आउटपुट टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट अ स्मॉलर इंक्रीज इन इनपुट यानी कि कहने की बात क्या हो गई कि इनपुट में थोड़ा सा चेंज करके आउटपुट मैक्सिमम चेंज कर रहे हो तो इससे भी आपकी क्या होगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सपोज करिए कि आप जो है पांच लेबर का यूज करके सौ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे आपने क्या किया कि लेबर का यूज करके आपसे एक सौ यूनिट प्रोड्यूस करने लग गए तो दैट इज आपने इनपुट में भी इंक्रीज़ किया लेकिन इनपुट में जितना इंक्रीज़ किया उसके में आउटपुट में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी ज़्यादा होगी तो जब भी आउटपुट ज़्यादा हो रहा है इनपुट कम यूज़ हो रहा है तो यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छी है लेकिन जब इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या है पुअर है क्लियर तो आप बात कर लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को देखिए प्रोडक्टिविटी होता है क्या है परफॉर्मेंस है कम रिसोर्सेज का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी सब कुछ किस पर डिपेंड करती है इनपुट पर डिपेंड कर रही है तो सबसे पहला इनपुट फैक्टर क्या हो गया ह्यूमन फैक्टर यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए तो उनकी एबिलिटी टू वर्क है कि नहीं उनके पास स्किल्स उनके पास नॉलेज उनके पास जो नेसेसरी परफॉर्मेंस के लिए जो स्किल्स चाहिए नॉलेज चाहिए है या फिर ट्रेनिंग चाहिए वो है कि नहीं है और दूसरा है वो करना नहीं चाहते हैं तो ही प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है उसका क्या साइज है बड़ा साइज है बड़ा प्लांट है या छोटा प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी है यानी कि वो एक दिन में सौ यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है फिर दो सौ यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है आप सपोज करिए आपके पास लेबर इतने हैं कि वो एक दिन में 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन आपके प्लांट की कैपेसिटी जो है दो सौ यूनिट प्रोड्यूस करने की नहीं है तो फिर क्या होगा वहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड स्टेंडाइजेशन यानी कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है और उसका स्टैंडर्ड क्या है उस पर भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है नेक्स्ट टाइमली सप्लाई ऑफ मेटेरियल एंड फ्यूल अब सपोज करिए कि आपको अगर सुबह सुबह मेटेरियल और फ्यूल मिल जाता तो शाम तक आप जो है सौ यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन वही जो मेटेरियल और वही जो फ्यूल है वो आपको सुबह ना मिलकर दोपहर में मिलता है तो अब क्या आप उस दिन जो है सौ यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे नहीं अब आप जो है पचासी यूनिट प्रोड्यूस करोगे क्योंकि दिन तक आपको जो है मेटेरियल फ्यूल मिला ही नहीं रिपेयर एंड मेंटेनेंस कोई मशीनरी खराब हो जाती है या फिर किसी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको कितनी जल्दी रिपेयर कर कितनी जल्दी मेंटेन उसको कर रहे हो तो इस पर भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है रिपेयर में ही पूरा दिन लगा दिया तो प्रोडक्टिविटी कहां से जाएगी जीरो हो जाएगी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो राउटिंग है शेड्यूलिंग है लोडिंग है वो आप किस तरीके से कर रहे हो उस पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट लेआउट एंड लोकेशन प्लांट का लेआउट कैसा है कैसे रॉ मेटेरियल मूव कर रहा है कैसे जो फिनिश गुड्स है वो मूव कर रहे हैं या फिर जो आप कह लिए लोकेशन कहाँ है यानी कि जहां से मार्केट से कितना दूर है रॉ मटेरियल जो सप्लायर है उससे कितना दूर है इन सब पे भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है क्लियर लोकेशन ठंडे प्रदेश में है गर्म प्रदेश में है जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है उस पर भी जो है डिपेंड करती है मेटेल हैंडलिंग सिस्टम किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है मैनुफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर जो मेटेरियल होते हैं उनको हैंडल कैसे किया जाता है कैसे कैरी किया जा रहा है हाथ से उठा के लेके जा रहे हैं मशीनरी से उठा के लेके जा रहे हैं उसको एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर भी जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल मशीन एंड इक्विपमेंट यूज कौन सी मशीनरी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो लेटेस्ट है कि पुरानी है, है पुरानी मशीनरी है 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 इक्विपमेंट लेटेस्ट या आप जैसे मोबाइल वर्जन ही आप चूज कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट मोबाइल वर्जन यूज कर रहे हैं यानी कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर है या विंडो है तो विंडो आप जो है लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर विंडो सेवन ही यूज कर रहे हैं तो इस पर भी जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स आप कौन सा यूज कर रहे हैं आपके यहाँ पे वेस्ट को जो वेस्ट होता है उसको कैसे आप रिड्यूस किया जा रहा है क्या यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं इस पर भी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है अब इनपुट है तो इनपुट से वेस्टेज ज्यादा हो है, तो उस वेस्टेज को आप यूटिलाइज कर रहे हो या फिर उसको फेंक दे रहे हो इस पर भी प्रोडक्टिविटी भाई उसी वेस्ट को यूज करके हो सकता है कि आप कुछ और प्रोडक्शन कर सकते हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी लेकिन आपके पास वेस्ट हुआ उस वेस्ट को आपने क्या किया फेंक दिया तो आप प्रोडक्टिविटी क्या होती है कम हो जाती है इसके अलावा मैनेजियल हो गया कि जो मैनेजर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या उनका एटीट्यूड क्या है नेचुरल इन्वायमेंट जैसे फिजिकल जो जिकल जियोग्राफिकल क्लाइमेट कंडीशन कैसी हैं वाटर फ्यूल मिनरल्स ये सब इजली अवेलेबल है कि नहीं है इस पर जो है डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी पॉलिटिकल जो लॉ है ऑर्डर है टैक्सेस हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है हारमोनी है अलग अलग स्टेट्स में नहीं है टैक्सेज हो गए जो कस्टम ड्यूटीज हो गई इन सब जो है ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट डालती हैं और इकोनॉमिक कंडीशन हो गए जैसे कि मार्केट कितना बड़ा है छोटा मार्केट है बड़ा मार्केट है बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ आसानी से अवेलेबल है कि नहीं है ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है 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 कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा उसे मार्केट में में उस एरिया इन सब पे भी जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इनके ऊपर भी डिपेंड करती है तो अगर आपके पास टाइमली जो है रॉ मेटेरियल नहीं पहुँचता है फ्यूल नहीं पहुँचता है वाटर की दिक्कत हो जाती है या फिर एनर्जी लाइट सप्लाई रुक जाती है या फिर आपके पास लेटेस्ट मशीनरी नहीं है इक्विपमेंट्स नहीं है या फिर जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि वाटर फ्यूल मिनरल्स हो गए या फिर क्लाइमेट कंडीशंस खराब हो गई या फिर जो पॉलिटिकल जो है टैक्सेस बढ़ गए तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं और जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कहने का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे इनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ भी सकती है और इनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी घट भी सकती है तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी लेबर की किसी भी मशीनरी की प्रोडक्टिविटी को तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसकी मीनिंग डिफिनेशन और कौन से फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है तो प्रोडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट यूज्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि जब भी किसी कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट यूज करते हैं जैसे लैंड लेबर कैपिटल मशीनरी मटेरियल इन सब इनपुट का यूज करके हम आउटपुट जनरेट करते हैं तो जो आउटपुट आया और जो इनपुट हमने यूज़ किया इनका जो रेशियो होता है वही चीज़ क्या क्या होती है प्रोडक्टिविटी होती है मैथमेटिकली हम इसको क्या डिनोट करते हैं पी इज इक्वल टू ओ बाई आई ज प्रोडक्टिविटी ओ मीन्स आउटपुट एंड आई मीन्स इनपुट क्लियर तो इस तरीके से डिनोट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लेबर प्रोडक्टिविटी मशीन प्रोडक्टिविटी मेटेरियल प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्टिविटी अलग अलग तरीके से प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाता है तो ब्रॉडली फोर टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स होते हैं देर आर ब्रॉडली फोर टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स पहला है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट नाम से क्लियर है कि यहां पर सिंगल फैक्टर यानी किसी एक इनपुट एक की प्रोडक्टिविटी को हम यहाँ पे जो है मेजर करते हैं जैसे कि लेबर की है तो लेबर प्रोडक्टिविटी मशीन की है तो मशीन प्रोडक्टिविटी मेटेरियल है तो मेटेरियल प्रोडक्टिविटी दूसरा है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट यहाँ पे क्या है मल्टीपल फैक्टर का जो है प्रोडक्टिविटी निकाला जाता है इसी तरीके से टोटल यानी कि कंपोजिट फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर होता है जहाँ पे किन्हीं दो फैक्टर का जो है हम कैलकुलेट करते हैं और चौथा है टोटल प्रोडक्टिविटी मॉडल जहाँ पे टोटल इनपुट जो भी यूज़ किया गया उसको और जो टोटल आउटपुट आता है उसका रेशियो होता है तो वो टोटल प्रोडक्टिविटी मॉडल होता है तो एक एक करके हम न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट नाम से क्लियर है कि सिंगल फैक्टर ए मेजर ऑफ आउटपुट अगेंस्ट स्पेसिफिक इनपुट यानी कि पे क्या है कि आउटपुट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक इनपुट है टोटल इनपुट नहीं किसी एक इनपुट को जो है यहां पे कंसिडर किया जाता है आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर तो ये क्या हो जाएगा लेबर प्रोडक्टिविटी आउटपुट डिवाइडेड बाई मशीन मशीन प्रोडक्टिविटी हो गया तो ऑल्सो नॉन एज पार्सियल प्रोडक्टिविटी इसको हम क्या कहते हैं पार्सियल प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं तो अलग अलग सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट होते हैं जैसे लेबर प्रोडक्टिविटी मशीन प्रोडक्टिविटी कैपिटल प्रोडक्टिविटी मटेरियल प्रोडक्टिविटी एनर्जी प्रोडक्टिविटी, क्लियर तो ये सब क्या है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी तो यहां पे क्या हो गया कि हम अलग अलग इनपुट फैक्टर्स जो होते हैं उनकी जो है प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अब सपोज करिए आपको जो है लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे तो दैट इज रेशियो ऑफ आउटपुट टू लेबर इनपुट यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर इनपुट यूनिट ऑफ आउटपुट पर लेबर आवर इसी जैसे मशीन प्रोडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है तो रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर मशीन आवर यानी कि एक मशीन कितना जो है यूनिट आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेशियो

मटेरियल क्या है क्लेस लाइमस्टोन एंड सैंड और उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है पर बैग 12 केजी 10 केजी 20 केजी और सामने स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया गया है थर्टी डॉलर फिफ्टी डॉलर और टेन डॉलर यहाँ हैश टैग लग है, वो टेन डॉलर है क्लियर तो यहां पर आपको जो है क्वांटिटी दे दी गई रॉ मेटेरियल की प्राइसिंग दे दी गई है और टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो दे दिया गया है तो अब आपको जो है मेटेरियल प्रोडक्टिविटी निकालना है आप यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया गया है तो मटेरियल प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो सो द टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग ऑफ सीमेंट वुड बी तो मटेरियल कॉस्ट पर बैग क्या हो जाएगी तो दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर बैग इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपको दिया गया है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्ले के लिए क्या हो गया ट्वेल्व के जी उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थर्टी डॉलर तो ट्वेल्व के जी इंटू थर्टी डॉलर आपका जो है थ्री सिक्सटी डॉलर आ गया लाइम स्टोन का टेन के जी है इंटू फिफ्टी डॉलर उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो फाइव हंड्रेड हो गया सेंड की यहाँ पे क्या है ट्वेंटी के जी और इंटू टेन डॉलॉलर उसकी प्राइसिंग होगी तो क्या हो गया यहाँ पे टू हंड्रेड हो गया क्लियर तो ये आपने क्या किया यहाँ पे आपने मेटेरियल कॉस्ट निकाल लिया अब जो है टोटल मेटेरियल कॉस्ट पर बैग आपको निकालना है तो टोटल मेटेरियल कॉस्ट पर बैग क्या हो जाएगा थ्री सिक्सटी डॉलर यानी कि क्ले का फिर लाइम स्टोन का फाइव हंड्रेड डॉलर प्लस सेंड का हंड्रेड डॉलर आप इसको क्या करेंगे टू हंड्रेड डॉलर जो आया है उसको आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा वन थाउजेंड सिक्स डॉलर बैग आ गया आपका क्लियर तो ये क्या हो गया? टोटल पर कि क्ले का का और सैंड का और आपने क्या किया? इसको कर दिया तो टोटल आपका पर बैग आ गया आपका टोटल मेटेल कॉस्ट पर बैग अब जो है आपको मेटेरियल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल मेटेरियल कॉस्ट तो टोटल मेटेरियल कॉस्ट क्या है आपके सामने वन थाउजेंड सिक्सटी डॉलर और टोटल आउटपुट क्या है एट हंड्रेड सीमेंट पर बैग तो मेटीरियल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी

बैग हो जाएगी क्लियर तो इस तरीके से जो है आप मेटेरियल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं वहीं पे दूसरा एग्जांपल समझिए कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द आउटपुट प्रोड्यूस एंड इनपुट कंज्यूम्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी इज गिवन बिलो किसी कंपनी का जो है यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है आउटपुट है थे थाउजेंडेंड का आउटपुट है यहाँ पर ह्यूमन इनपुट थ्री थाउजेंड का है मेटेरियल इनपुट टू थाउजेंड का है कैपिटल इनपुट फाइव थाउजेंड का है एनर्जी इनपुट थाउजेंड रुपीज़ का है और अदर मिसलिनियस इनपुट जो है वो फाइव फाइव हंड्रेड रुपीज़ का यहाँ पे आपको मॉनिटरी में दिया गया है सभी डिटेल तो अब आप आपको जो है लेबर कैपिटल और मेटेरियल प्रोडक्टिविटी सपोज करके कैलकुलेट करना है तो लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाई ह्यूमन इनपुट यानी कि लेबर इनपुट तो टोटल आउटपुट क्या है टेन और ह्यूमन इनपुट क्या है थ्री तो आप जो है इसको फॉर्मले में रखेंगे तो टेन थाउजेंड डिवाइड थ्री आपका आंसर जाएगा थ्री ये लेबर प्रोडक्टिविटी हो गया इसी तरीके से कैपिटल प्रोडक्टिविटी है तो टोटल आउटपुट यानी टेन

फैक्टर जो है प्रोडक्टिविटी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट है दैट इज मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट देखिए मल्टी फैक्टर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो फैक्टर या दो से अधिक फैक्टर को कंसीडर किया जाता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था स्कॉट डी सिंक ने मल्टीफैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट मॉडल कंसिडर लेबर मटेरियल एंड एनर्जी एज मेजर इनपुट तो स्कॉट डी सिंक ने जो ये मॉडल डेवलप किया था मेजरमेंट डेवलप किया था उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट लेबर मटेरियल और एनर्जी को जो है मेजर इनपुट कंसीडर किया था वहीं पे कैपिटल को डिलीवरेटली उन्होंने छोड़ दिया था एज इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट हाउ मच कैपिटल इज बिंग कंज्यूम्ड पर यूनिट पर टाइम तो उनको ये चीज़ कैलकुलेट करना टफ लगा कि कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट करना टफ था कि कितना कैपिटल जो है कंज्यूम किया जा रहा है पर यूनिट पर टाइम क्लियर तो इसलिए कैपिटल को उन्होंने छोड़ दिया डिलीवरी जानबूझ के छोड़ा और वहीं पे लेबर मटेरियल और एनर्जी को मेजर इनपुट कंसीडर किया मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के केस में तो अब इसको जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अब एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस थ्री यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर यूनिट मेटेरियल कॉस्ट सिक्स डॉलर पर यूनिट क्लियर 300 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी प्रोडक्ट के पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट सिक्स डॉलर है पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज टेन डॉलर फॉर ईच यूनिट द रिक्वायर्ड लेबर आवर्स आर फोर्टी आवर्स एंड द रेट ऑफ ट्वेल्व डॉलर फॉर एन आवर यानी कि यहाँ पे रिक्वायर्ड जो लेबर आवर चाहिए वो फोर्टी आवर्स चाहिए और पर आवर की कॉस्ट क्या है ट्वेल्व डॉलर है तो आपको टोटल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो गया दैट इज मल्टी फैक्टर यहाँ पे मेटेरियल कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है तो आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड यूनिट इंटू टेन डॉलर पर यूनिट अब देखिए थ्री हंड्रेड यूनिट इंटू टेन डॉलर पर यूनिट क्या है थ्री हंड्रेड यूनिट जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है टेन डॉलर पर यूनिट क्या है दैट इज द सेलिंग प्राइस तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे आपके पास आएगा टोटल आउटपुट कितने रुपए में हो गया वहीं पे आपका जो नीचे है थ्री हंड्रेड यूनिट इंटू सिक्स डॉलर पर यूनिट ये क्या हो जाएगा मेटेरियल कॉस्ट हो जाएगा टोटल मेटेरियल कॉस्ट थ्री हंड्रेड यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है इंटू सिक्स डॉलर पर यूनिट है तो आपको टोटल मेटेरियल कॉस्ट आ जाएगा प्लस लेबर आवर लेबर आवर कितना हो गया इंटू टू डॉलर ये भी रूपीज में आ गया तो सारी चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी हो जाएंगी और क्लियर तो सिंगल में एक एक फैक्टर का हमने जो है कैलकुलेट किया मल्टीपल फैक्टर में दो या दो से अधिक फैक्टर को एक साथ जो है हम प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट ये क्या हो गया द रेशियो ऑफ आउटपुट टू अ ग्रुप ऑफ इनपुट सच एज लेबर एनर्जी एंड मटेरियल क्लियर नेक्स्ट है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इसको हम कंपोजिट फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट भी कहते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था जॉन डब्ल्यू कैंड्रिक इन 1951 तो जॉन डब्ल्यू कैंड्रिक ने इसको 1951 में डेवलप किया था ही हैज़ टेकन ओनली लेबर एंड कैपिटल एज ओनली टू इनपुट फैक्टर तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो जॉन डब्ल्यू कैंड्रिक हैं उन्होंने टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में दो ही चीज़ों को एज ए इनपुट फैक्टर कंसिडर किया लेबर एंड कैपिटल तो उन्होंने क्या कहा कि इट इज द रेशियो ऑफ नेट आउटपुट टू लेबर एंड कैपिटल इनपुट तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो नेट आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर एंड कैपिटल इनपुट तो नेट आउटपुट कैसे आएगा टोटल आउटपुट में से जब आप मेटेरियल और सर्विस जो भी आपने परचेज की है उसको आप जब माइनस कर देंगे तो नेट आउटपुट आपके पास आ जाता है तो एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल आप वो सेम एग्जाम्पल रखते हैं जो कि हमने अभी पहले देखा तो आपको सारी डिटेल यहां पे दी गई है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी तो फॉर्मूला क्या हो गया नेट आउटपुट डिवाइडेड

टोटल आउटपुट से माइनस कर देंगे तो टोटल आउटपुट क्या है टेन थाउजेंड है माइनस टू थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड तो आपके पास सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा वहीं पे लेबर और कैपिटल इनपुट कितना है तो लेबर इनपुट यानी कि ह्यूमन इनपुट थ्री थाउजेंड है और कैपिटल इनपुट कितना है तो यहाँ पे देखेंगे वो भी थ्री है तो आपको उसको फॉर्मले में रख देना है तो टेन थाउजें माइनस टू थाउजेंड प्लस डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड प्लस थ्री क्या हो गया लेबर और कैपिटल इनपुट तो आपके पास आ गया सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स और टोटल आपका जो आएगा

इन्होंने पांच आइटम को एज इनपुट कंसीडर किया था ह्यूमन मटेरियल कैपिटल एनर्जी एंड अदर एक्सपेंसेस इन पांच को जो है एज अ इनपुट कंसीडर किया था और आउटपुट का रेशियो इसके अकॉर्डिंग निकाला था तो अकॉर्डिंग टू देम टोटल टेंजिबल आउटपुट क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ फिनिश्ड यूनिट प्रोड्यूस प्लस पार्सल यूनिट प्रोड्यूस प्लस डिविडेंड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स एंड प्लस अदर इनकम्स वो टोटल टेंजिबल आउटपुट हो गया वहीं पर टोटल इन टेंजिबल इन इनपुट क्या हुआ वैल्यू ऑफ ह्यूमन इनपुट प्लस कैपिटल इनपुट प्लस मेटेरियल एनर्जी इनपुट प्लस अदर यानी कि एक्सपेंस ट्रांसपोर्ट एंड ऑफिस वो सब किस में में आ जाएंगे टोटल टेंजिबल इनपुट आ जाएंगे तो जब टोटल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के जरिए जो है आपको टोटल प्रोडक्टिविटी निकालना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो आप टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल टेंजिबल इनपुट करेंगे आपका टोटल प्रोडक्टिविटी आ जाएगा तो सेम एग्जाम्पल आपके सामने जो भी हमने पहले देखा आपके सामने डेटा हुआ है आपको जो है टोटल प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो टोटल प्रोडक्ट एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल टेंजेबल इनपुट तो टोटल टेंजेबल आउटपुट यहाँ पर आपको सामने दिया गया है आउटपुट टेन थाउजेंड रुपीज़ में है वहीं पर टोटल टेंजेबल इनपुट क्या हो जाएगा वो सारे इनपुट ह्यूमन मेटीरियल कैपिटल एनर्जी और अदर मिसलिनियस यानी कि सभी को आपको क्या करना है एड कर देना है तो टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड प्लस हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड तो यानी कि टेन थाउजेंडेंडेंडेंडेंड डिवाइडेड बाई नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आप उसको डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट जीरो फाइव थ्री आ जाएगा दैट इज टोटल प्रोडक्टिविटी क्लियर तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना होता है तो प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में आप जो है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एंड की कंपोजिट जहां पे दो फैक्टर को कंसीडर किया था और टोटल प्रोडक्टिविटी जहां पे टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइड बाई टोटल इन टोटल टेंजिबल इनपुट होता है क्लियर यू ऑल देश की